चाय पीने। अच्छा, कॉलेज की तरफ। चलो आता हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। गाइस, छुट्टियों का मौसम चल रहा है और हम ये मध्य रात्रि के समय आए हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट पर, और यहाँ पर हम पियेंगे चाय। हमारे साथ है बहुत ही अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर सोमनाथ, और इनके अनुभव और अनुशासन की सराहना करनी होगी। पहले हम कॉलेज की करते हैं। यस, सो ये है कॉलेज। चलिए अब आपको अंदर दिखाते हैं, कैंपस के अंदर जाकर, और यहाँ पर दिखाएंगे कैसी मिलती है यहाँ पर चाय। और ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं, एंड एंटर होते ही यहाँ पर है एटीएम, और यहाँ का फेमस छतरी पॉइंट, जहाँ पर जो मरीज के परिजन होते हैं वो बैठकर विश्राम कर सकते हैं। ये हमारे कॉलेज की बस है, सीटी स्कैन कक्ष, और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए भी एक रूम है। यहाँ से नो पार्किंग जोन, पार्किंग मत कीजिएगा इधर। और यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड रूम है, गाड़ी है, और इधर है ऑर्थो वार्ड। यहाँ पे ब्लड बैंक है हमारे कॉलेज का, देख सकते हैं। और ये यहाँ पर एक छोटे से डोगो है, और क्या ही बताएं दोस्तों आपको। ये यहाँ पर दूसरा एंट्री गेट है, और ये इधर आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी गेट है। यहाँ से इमरजेंसी के समय 24/7 ओपन रहता है। ये इधर एक दवाई की शॉप है, और इधर से हमारे एल्टीट्यूड रूम के लिए और वार्ड्स वगैरह, ओपीडी वगैरह के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। और ये है यहाँ पर कैंटीन। चलिए चाय पीते हैं। कैंटीन है, और यहाँ की चाय सबसे फेमस है। तीन प्रकार की चाय मिलती है यहाँ पे, कम मीठा, बिना मीठा और मीठा, लेकिन तीनों में मीठा होता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ गेड़े में मिलेगी। ये हमारे विजेंद्र, देखते रहो कैसे चाय बनाते हैं। एक बार हाय बोल दीजिए आप। की बहुत अच्छी सुविधा है, ये आप देख सकते हैं, फैन लगा हुआ है, और अभी यहाँ पर टेबल्स वगैरह रख दिए। नाइट का समय है, यहाँ पर बैठ के आप आराम से लंच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है विजेंद्र जी का ये मेस। यहाँ पर आपको फूड आइटम्स मिल जाएंगी, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। और ये है इनका किचन, यहाँ लिखा हुआ है नो एंट्री, और यहाँ अंदर आना मना है, लेकिन ये अंदर चले गए हैं। चलिए बाहर आइए आप। ऐसे नहीं लगाना है, फाड़ी दी आपने ये। सो अब ये चाय डाल रहे हैं यहाँ पर जितेंद्र जी, और बहुत ही जायकेदार चाय आपको यहाँ पर मिलेगी। सो गाइस, अब हमारी चाय हो चुकी है तैयार, और अब हम चलते हैं चाय लेकर। धन्यवाद आपका। दिस चाय इज स्पॉन्सर्ड बाय कौन सा ढाबा है भाई? केड़ा राम ढाबा। यहाँ पर देख सकते हैं कैंटीन के बगल में ही है नर्सिंग कॉलेज, ये यहाँ पे कैंटीन है केड़ा राम की, और यहाँ पर ही है हमारा नर्सिंग कॉलेज। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, ये जा रही है यहाँ पे हमारे LT2 के लिए, यहाँ पर क्लासेस लगती हैं। और इधर आप नीचे देख सकते हो फिजियो लैब वगैरह है, यहाँ पर TB वगैरह के यहाँ पर वार्ड है, TB सेंटर है। और यहाँ से एंट्री आप देख रहे हैं, एक OPD के लिए एंट्री है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट फार्मेसी है, जहाँ पर आपको आधे दाम पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, मुहैया करवाई जाती है। और यहाँ से आप एंट्री लोगे, तो यहाँ से एंट्री करते ही ये OPD वाला सेक्शन है, अभी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। यहाँ से आप क्रॉस करोगे जब आगे, तो आपको सामने एक काउंटर मिलेगा, जहाँ पर पर्ची वगैरह कटती है। इसके ऊपर गायनी की भी OPD है। सो बहुत ही अच्छा शांत माहौल यहाँ पर रहता है रात के समय। अब हम आपकी बात करवाते हैं एक अनुभवी यहाँ के इंटर्न डॉक्टर सोमनाथ जी से। सो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे अभी के लिए, गुड नाइट। और बाकी इसका डिटेल्ड टूर आपको हम दिन में देंगे अच्छे से। अभी ये नाइट के समय हम चाय पीने आए हैं, तो
आपको एक टूर हमने दे दिया। आप ये देख सकते हैं कैंटीन से भी यहीं से नीचे रास्ता जाता है डी हॉल के लिए, मतलब डाइसेक्शन हॉल जहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट डाइसेक्शन वगैरह करते हैं, छतरी जहाँ पर परिजन वगैरह मरीज के सो सकते हैं। और ये है यहाँ का एकमात्र मेडिकल स्टोर जो कि 24/7 आवर ओपन रहता है, बाकी क्लोज भी हो जाते हैं। ये है यहाँ पर आपातकालीन और यहाँ पर इमरजेंसी का है, यहाँ पर पेशेंट्स वगैरह होते हैं। इसके ही नीचे है जहाँ पर आधार कार्ड वगैरह के लिए पंजीकरण, एक्सरे वगैरह के लिए पंजीकरण होते हैं। यहाँ से सीढ़ी जा रही है और ये है यहाँ पर मैटरनिटी कार्यालय। और यहाँ से आप थोड़ा नीचे जाओगे, मैटरनिटी कार्यालय से नीचे जाओगे तो यहाँ पर बाहर बेंचेस लगी हुई हैं और बेंचेस ये परिजन वगैरह रुक बैठ सकते हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं जो गेट है, ये है गायनी वार्ड का गेट है। गायनी वार्ड के जस्ट ऊपर है पीडिया वार्ड, नीचे जो होते प्रेग्नेंट फीमेल्स, ऊपर उनके बच्चे, और इसी के ही ऊपर है आई वार्ड और आई वार्ड OT4। अगर बात करें गायनी वार्ड के बगल में है स्पेशल वार्ड, ये देख सकते हो यहाँ पे। स्पेशल वार्ड के ऊपर है मेल मेडिसिन वार्ड और मेल मेडिसिन वार्ड के नीचे ऊपर है सर्जिकल वार्ड। सो सर्जिकल वार्ड के नीचे इधर आप वापस गायनी वार्ड पे आते हैं, गायनी वार्ड के नीचे है फीमेल मेडिसिन वार्ड। मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है जहाँ तक मैंने कोशिश की है, आउटलाइन आपको दे दी है। बाकी हम नेक्स्ट टूर में आपको सारा डिटेल्ड दिखाने वाले हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एक ऐसा नज़ारा आएगा आपको रात के समय। और यहाँ से आप ये देख सकते हो जो ये रास्ता ऊपर से आ रहा है, यहाँ से एक रास्ता नीचे जाएगा, ये यहाँ से देख सकते हो आप, ये डी हॉल के लिए जाएगा हमारे। ऐसे रात का समय है अभी, तकरीबन 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है, पर ऊपर है LT1। ये है यहाँ की इमरजेंसी जो 24/7 ओपन होती है, तो ये इमरजेंसी एरिया है यहाँ का। सो गाइज, एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है, और हमारे साथ हमारे अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर सोमनाथ, हम सभी ने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। तो अब आपको आगे थोड़ा सा दिखाते हैं, यहाँ से एक मेन गेट आता है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो है यहाँ की कैंपस की जो है जहाँ की आपको दिखाने वाले हैं हम। मेन एंट्री गेट यहाँ से भी है, दो एंट्री गेट है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे इधर देखोगे, इधर पानी की सुविधा है, यहाँ पर पानी वगैरह के लिए यहाँ पर है। और ये है यहाँ पर प्रिंसिपल का जो रूम है, इधर है स्टूडेंट सेक्शन वगैरह, इधर है। ये डॉक्टर सोमनाथ जी पानी पी रहे हैं यहाँ पर लाइव डेमो देते हुए। सो आपको एग्जैक्ट एकदम डेमो के साथ दिखाई जाएगी चीज़ें। गार्ड वगैरह रहते हैं, गार्ड्स वगैरह सारे खड़े हैं इधर। यहाँ की बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हो आप, ऊपर तक क्रेन लगी हुई है यहाँ पर। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे, आपको पूरा एक व्यू दिखा रहे हैं। आप रात के समय यहाँ पर कभी आ जाएँ तो आपको कैसे कहाँ कहाँ पर जाना है, तो इसलिए आपको इस व्लॉग में सारा दिखाने वाले। ये आप देख सकते हो हॉस्पिटल का मेन गेट, एक तरह से इसको मान सकते हो आप, और इसके बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जब आप एंटर होंगे तो यहाँ पर पर्ची वगैरह कटती है, ठीक है। इसके सामने ही आप जाओगे, आपको यहाँ पर माइनर OT मिलेगा सामने। यहाँ से जूम कर लेता हूँ मैं, इसके सामने जब आप जाओगे माइनर OT मिलेगा, साथ में ही लैब है यहाँ पर 301 नंबर में। अगर आपको कोई भी टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है तो आप पहले इसकी शक्ल देख ले यहाँ से बाहर से, और इसी फ्लोर पे आपको 301 में लैब मिल जाएगी जहाँ पर आपके टेस्ट वगैरह होंगे। अब आप इस साइड लेफ्ट साइड मुड़ोगे तो यहाँ पर एक ऑडिटरी रूम है, नेत्र जांच कक्ष भी यहीं पर है, और डेंटल की जो OPD है वो भी इसी तरफ है आपको। और इस फ्लोर के नीचे ऊपर एक गायनी OPD भी है, और इस फ्लोर के जब आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको मिलेगी सारी OPDs नीचे है जहां पर डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं। ECG रूम भी नीचे है, और उसके नीचे आपको फिजियोलॉजी लैब मिलेगी, और उसके नीचे है लाइब्रेरी। तो चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं कोविड सेंटर पर, आपको यहाँ पर ले सकते हैं। ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस भी है इधर, यहाँ पर देख सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देख सकते हो COVID-19 आइसोलेशन सेंटर जो है यहाँ पर है, तो कोविड के जो भी पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया जाता है। और यहाँ से जो आप ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर, और यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे तो MCH सेंटर है जहाँ बच्चों की OPDs वगैरह होती है। तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो
आपको बच्चों की ओपीडीज होगी, तो अगर आपको बच्चों की कोई डिजीज़ है तो यहाँ से इंजेक्शन वैक्सीनेशन सारा यहीं पर होता है, और वैक्सीन स्टोरेज भी होती है यहाँ पर, सप्लाई की जाती है। ये देख सकते हो आप आइसोलेशन सेंटर COVID-19 का, यहाँ पर देख सकते हो आपकी कोविड की रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो यहीं पर रखी जाती है, यहाँ पर एक सामने है कोविड की जांच वगैरह पीछे होती, और कोविड की जांच की जहाँ पर होती है वो भी दिखाएंगे। ये देखते हैं COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर है, और यहाँ पर डायलिसिस सेंटर के लिए रास्ता जा रहा है यहाँ से। ये यहाँ पर GST भवन है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर कॉलेज की बस लगती है, जो कॉलेज के हॉस्टलर्स की बस होती है वो यहाँ पर लगी होती है। और ये जो रास्ता इधर से आ रहा है हमारे राइट साइड से, जो अभी रास्ता आ रहा है ये गुन्नू घाट से होता हुआ आता है, इधर गुन्नू घाट से होता हुआ आपको ये हॉस्पिटल की ओर ले चलेगा रास्ता। ये देख सकते हो ये गुन्नू घाट से होते हुए हॉस्पिटल की ओर, और यहाँ से एक दूसरा रास्ता जा रहा है जो डी हॉल की तरफ और हॉस्पिटल के पीछे वाला रोड है, इसी पर आपको माइक्रो लैब मिल जाएगी और वहाँ पर कोविड के सैंपल्स वगैरह जहाँ पर लिए जाते हैं वो मिल जाएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, और ये वन वे रोड है, ठीक है। वन वे रोड मतलब यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर ही जाती है, दूसरी साइड से नीचे आती है दिन के टाइम। एक मोड़ आएगा, ये आप देख सकते हो, वैसे देखने में ये आपको छोटा लगेगा क्योंकि ये थोड़ा हाइट से है मेन गेट से, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा कैंपस है डॉक्टर YSPGMC नाहन का। और ये आप देख रहे हो सामने जो गेट दिखेगा ना, ये सामने जो गेट दिख रहा है ये लाइब्रेरी के लिए जा रहा है। और ये जो आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे COVID-19 के सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोविड टेस्ट करवाते हैं तो RT-PCR वगैरह जो भी होते हैं उसके सारे सैंपल जो है वो यहीं पर लिए जाते हैं। और आप आगे चलते हैं, आगे आपको मिलेगी माइक्रो लैब। ऊपर वाला पोर्शन है जो है कोविड वार्ड बना रखा है जिसको प्रेजेंट टाइम में, वो इसका ऊपरला जो फ्लोर है ना वही कोविड वार्ड है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये है यहाँ पर, ठीक है। COVID-19 लैब, नो पार्किंग हेयर, लेकिन पार्किंग फिर भी की गई है। सो यही तो मज़ा है इंडिया का। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, यहाँ लाइब्रेरी के लिए रास्ता जा रहा है ये यहाँ से, ठीक है, लाइब्रेरी के लिए। तो आप देख सकते हो लाइब्रेरी, देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर ये फिजियो लैब है, फिजियो लैब के जस्ट ऊपर अगर आप देखते हो माइनर ओटी है, माइनर ओटी के ऊपर मेरे को भी नहीं पता क्या है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लाइब्रेरी का गेट है, आपने यहाँ से देख लिया, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, ऐसे नहीं छोटी सी है, काफ़ी बड़ी है। इसके ऊपर फिजियो लैब है, फिजियो लैब के ऊपर है OPD वगैरह सारी, और ऊपर है माइनर ओटी वगैरह है जहाँ पे सैंपल वगैरह होते हैं, ठीक है। 300 बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी यहीं पर है इसके ऊपर, ये टॉप फ्लोर जो देख रहे हैं अभी भी जला हुआ है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, देखिए ये हॉस्पिटल के पीछे वाला रास्ता है, देख सकते हैं आप, लाइटें वगैरह जली हुई देख सकते हैं। तो यहाँ पे है डॉक्टर्स वगैरह की रेजिडेंसी, गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स को ये मिलते हैं रहने के लिए, सारा जो सुविधाएं मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे मित्रांग मोटर्स हुंडई का जो सर्विस सेंटर है, यहाँ से आप ये मोड़ जो है ना, यहाँ से अगर आप कार वगैरह लेके जा रहे हो ये मोड़ से, ये रास्ता जाएगा डी हॉल और डायलिसिस सेंटर के लिए। ये है एक प्यारे से डोगो, तो क्या हाल है डोगो, ये देखिए ये प्यार का भूखा है दोस्तों, ये लिपट ही गया टांगों में। नहीं अरे, तो ये देखिए बहुत प्रेम जता रहा है हमको। सो दोस्तों इसको पहले प्यार कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन हट जो है नाहन में सारी चीज़ें राउंड में ख़त्म हो जाती है, जैसे वीला राउंड वगैरह है, हॉस्पिटल भी राउंड में ख़त्म हो जाता है, वहाँ से शुरू होता है, मतलब हॉस्पिटल का एक पूरा चक्कर लगा सकते हो आप। ये आप देख सकते हो जो ये लाइट जल रही है, इसके बगल में नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये सारे जो मैंने आपको दिखाया था गाइनी वगैरह वाला, मेल मेडिसिन वार्ड, फीमेल मेडिसिन वार्ड, LT1 तो यहीं पर है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन आगे से छोटी दिखाई देती है, और ये पूरा एक राउंड काटते हैं, यहाँ से आप घूम के जाओगे तो फिर से आप आगे पहुँच जाओगे गुन्नू घाट, ठीक है। तो ये रास्ता गुन्नू घाट के लिए जा रहा है, ये देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं पीछे से आपको लुक दिखा रहा हूँ यहाँ से, अभी सारे ये ओपन है नाइट समय में, ठीक है, 24x7 लुक पूरा दिखाना ओपन रहता है। ये देखिए आप, काफ़ी बड़ा यहाँ पर बिल्डिंग है और ये रास्ता है, ठीक है। सो गाइस ये है वो रोड जो ATM के पास से आती है, जो ATM गेट पर है डॉक्टर YSPGMC नाहन के,
इसके बगल में एक मैरिज गार्डन है इधर, और ये देखते हैं आपको सीएमओ ऑफिस जो कहा जाता है बार बार, तो ये है वो सीएमओ ऑफिस। और अब बार बार मत पूछना, एक बार बता दिया है ठीक है। तो अब यहाँ से हम जाते हैं, ये रोड जाएगा यहाँ से आगे की तरफ, गुन्नू घाट की तरफ जाएगा ये रोड। तो अभी हम इसी रोड पर चल रहे हैं। सो गाइस, जो मैंने कहा था वो रोड जो आ रहा था एटीएम के पास से, वो खुलता है यहाँ पर आके इस चौराहे पर। चौराहा नहीं कहेंगे, ये तिराहा है, तीन ही राहें यहाँ पर मिल रही हैं। ये रोड जा रहा है यहाँ से बस स्टैंड के लिए, ये शर्मा जी की गाड़ी ठीक है, ये शर्मा जी की गाड़ी है, गुप्ता जी की गाड़ी है, और पता नहीं कौन से शर्मा और गुप्ता की है। लेकिन ये देखिए यहाँ से जो ये रोड जा रहा है, ये गुन्नू घाट के लिए जा रहा है। यहाँ पे झांसी पार्क भी आएगा ठीक है, जहाँ पे रानी झांसी की मूर्ति लगी हुई है। और इसी से ऊपर को एक रास्ता जाएगा जो जाएगा मेरे रूम। तो जब भी आप आए जरूर बैठें, चाय पिए। और ये गाड़ी आ रही है आगे से, और यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो अकेलेपन का यहाँ पर आपको एहसास नहीं होगा। सो ये है नगर पालिका, ये देख सकते हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसके बगल में चल रही है कंस्ट्रक्शन, ये तो बन चुका है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे सरिया वगैरह लगे हुए हैं। इसके पीछे है पक्का टैंक ठीक है, उससे पीछे है जिम, और उससे पीछे है जिम, और उससे पीछे लोगों के घर है, तो उनको बताने में हम रुचि नहीं रखते। ये देखिए बोर्ड यहाँ पर लगा है वैसे, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर अभी। और क्या क्या दिखाएं आपको, ये झांसी पार्क है, ये देखिए यहाँ से ये ऊपर कोई रोड जा रही है मेरे रूम के लिए जा रही है ठीक है। अब आपको ऊपर तो नहीं ले जा सकते, नहीं तो आप आई जाओगे चाय के लिए, नहीं तो आप आई जाओगे क्यों। सो ये देख सकते हैं, इतना आप सभी को व्यू हमने करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। ये है झांसी पार्क की एक झांकी, और यहाँ पर अभी कोई नहीं बैठा है, हम ही रात को जागे हुए हैं अभी। सो ये यहाँ पर रानी झांसी पार्क का एक लुक, ये हमने आपको टूर करा दिया है एक नाइट के समय में। आज हम विचरण करने निकले थे रात के समय, और हमारे साथ देख सकते हैं एक अनुभवी इंसान, और इन्होंने हमें पूरा गाइड किया है इस टूर में। तो एक लाइक इनके लिए भी, और इनका आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और मेरे सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब मैं डे टूर करवाऊँगा, अब अंधेरा भी हो रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।